Thank you for inviting me. I'm Yogita Rajput and I'm a singer. By profession और छोटी सी गणेश मंत्र है जिससे हम हर अशुभ काम की शुरुआत करते हैं. वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि मोरया अंगल मूर्ति मोरया. आइए आइए अब आप रखो ये डंडा मुझे दे. जय गणपति. अब यहाँ से एक फैमिली अच्छी सी आइए सर आप आइए 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 एक मीटिंग में. अरे कहाँ जा रहे हो इधर. अरे लड़की उधर हम लोगों के साथ रहो ना सर. चार वीडियो बन रही है सर. वीडियो बचने बेटा वो सबको मालूम है मेरी आदत. आइए सर आइए 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 सर प्लीज चलिए. हो किसी की याद में बहकी बहकी सुबह भीगी भीगी रात में आना दिल पास मेरा लब पे उसका नाम था जैसे रहूं मैं घुला जाम था. Now I would like to call upon the stage Arvind Kasera ji, jinhone direct kiya is music album ko. Guys, big round of applause for him, Arvind Kasera ji. Hamare music director aur jo producer bhi hain is album ke, Sanjay ji. Sanjay ji, please come upon the stage. Give round of applause for Sanjay ji. Guys, aaliyo ki awaaz nahi aa rahi hai. Hamare jo DOP hain, अशोक जी हमारे जो डीओपी हैं इस एल्बम के. अच्छा ओके. तुषार त्यागी जी प्लीज कम अपॉन द स्टेज. गिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम गाइस. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज जो अनुशील के दाद हैं एडवोकेट अनूप चक्रवर्ती एंड अनूप की एंड अनुशील की जो मम्मा है शीला एडवोकेट शीला चक्रवर्ती. प्लीज गिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. और शीला चक्रवर्ती जी जो है वो प्रोड्यूसर भी है इस एल्बम की. सो तालियां बनती है गाइस. और हमारे अभी हमारी जो टीम है वो यहाँ आ गई है. अब हम हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं हम उनका स्वागत करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीरबल जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी. सर प्लीज कम अपॉन द स्टेज. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. बीरबल जी जो है ये सीनियर एक्टर है और इन्होंने मोर देन 500 फिल्म्स एज एन एक्टर की हैं और अभी भी काम कर रहे हैं. सो बहुत तेज तालियां बनती है गाइस बीरबल जी के लिए. थैंक यू सर. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज दिलीप सेन जी. प्लीज आइए. ये दिलीप सेन जी को सभी जानते ही है एंड ही इज जाता हूँ लेकिन ये सारा श्रेय संजय जी को जाता है जो म्यूजिक डायरेक्टर है और अनुशील को जाता है. और ज्यादा ही होते हैं हेलो होम में ही हो गया था. मैं जाहिर से बात है संगीतकार हूँ तो हर जगह आने जाना रहता ही है मेरा. खास करके तो मैं हमारे संगीतकार साहब को बहुत बहुत बधाइयां दूंगा कि उन्होंने मतलब आज के इस युग में दोनों मूड रखे हैं. आज का अभी जो यूथ चाहता है उसके अलावा जो गाने के कंटेंट्स थे मतलब जो भी इसके अंदर जो भाव थे वो आपने बाखूबी धुन में निभाया. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे हीरो साहब किधर गए सर. आइए आइए आप यकीन मानिए बेटा मैं इधर हूँ दिलीप से. सारे काफी कलाकारों की छवि आप में आ रही थी और मैं गाना तो कम देख रहा था मगर आपको मैं ज्यादा इसलिए देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में आने वाले कल में आप आज तो सिंगल स्क्रीन में नजर आ रहे हैं बाद में हमें गोल्डन और बाकी सब स्क्रीनों में नजर आएंगे एज ए हीरो और हमारे हीरोइनों के साथ आएंगे. और अगर मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि हम लोग देखिए अब हम तो पुरानों में गिनती होगी तो ये सबसे जवान है मैं इनसे जवान हूँ तो हम लोगों की गिनती होती है मगर हम देखते देखते यहाँ तक पहुंचे जब बच्चों में ये काबिलियत देखते हैं तो मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा. हमारी बहन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि जो इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की तालियां बजाओ यार. और मैं राकेश के लिए जरूर कहना चाहूंगा
कि ये बच्चा जिस फील्ड में भी रहता है, जिस भी फिल्म के लिए ये प्रमोट करता है, जिस सॉन्ग को भी, वो शोर शोर होते हैं। मैंने कई इनकी चीजें देखी और राकेश के लिए मैं इतना कहूंगा कि बड़े सच्चे दिल से काम करते हैं, सच्ची भावनाओं से करते हैं। बाकी लोगों को तो मैंने देखा कि भाई हमको फिल्म में पैसा मिल रहा है तो हम लोग लगे हुए, और उस तरह नहीं है ये। तो इस गाने की सक्सेस में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, और कोरियोग्राफर से आपको भी मैं बहुत बहुत बधाइयां दूंगा बेटा, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम आपका? डेविड साहब। वैसे मैं आपको अपना पूरी परिचय दे दूं, आई एम ऑल्सो डांस मास्टर, पता है कि नहीं आपको, मैं कथक का डांस मास्टर हूँ और मैंने गोविंदा जी के सबके साथ काम किया। तो मैंने जब आपकी भावनाएं देख रहा था, जो कटिंग और जो मूवमेंट आपने लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ, नए बच्चों के साथ काम करने में थोड़ी, मगर आपने इनको महसूस नहीं होने दिया कि ये नए हैं। और डायरेक्टर साहब तो हैं ही हमारे, बहुत दाव जवाब मुस्कुराता चेहरा, और बाकी टीम, और खास करके मैं चाहूंगा कि हमारे जो अनाउंसर जी हैं इनके लिए जरूर तालियां बजाइए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है और लोकेशन भी लाजवाब है, मेरी तो आंख ही नहीं हट रही थी, इतना मजा आ रहा था मुझे। क्या बात है, क्या बात है। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। और शीला जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने ऐसा लाल पैदा किया, जिसने इतना अच्छा काम किया। कला प्रेमी यहाँ बैठे हैं, सबका धन्यवाद। और वाकई कहते हैं कभी टाइम कहता है यार टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत मजा आया। और वाकई कहते हैं ये टीम वर्क होता है, डीओपी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया और म्यूजिक बहुत अच्छा था, उसके बाद गाना लाजवाब था, और करने वाला जो हीरो है हमारा अनुशील जी ने बहुत बढ़िया डांस किया, और हीरो हीरोइन दोनों ही मतलब पास है। डांस नहीं, रोमांस भी अच्छा किया। अच्छा, वही मैं देख रहा था आपका, मैं आग क्यों नहीं हटी थी, वो इसी चक्कर में गया। आप रोमांस कर रहे हैं, करके आग नहीं हटी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रियली आप हीरो मटेरियल हैं और माशाल्लाह खुद तरक्की करेंगे। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस गीत की, थैंक यू। लगन से इसकी मेहनत की, और मैं देख रहा था पूरा पिक्चराइजेशन, क्योंकि अभी अभी हाल ही फिलहाल मैं नया प्रोड्यूसर बना हूँ, मेरी फिल्म 31 को रिलीज हो रही है। तो क्या बात है, थैंक यू। एक गाने को बनाने में जो शिद्दत होती है, तो जिस प्रकार एक लिरिक्स राइटर उसको लिखता है, संगीतकार उसको बनाता है, उसी प्रकार पूरा पिक्चराइजेशन उसी लय में होता है। और इतना खूबसूरत गाना आपने बनाया और इतना जबरदस्त एक्ट आपने किया अनुशील, और आपकी एक्ट्रेस ने भी आपका पूरा साथ दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक्चुअली शी इज शूटिंग आउटसाइड इंडिया। थैंक यू वेरी मच, घर पे चलेंगे। एनीवेज, चार भी अलाउड है। आई जस्ट वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरीबॉडी हु आर एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग। और जो पिक्चराइजेशन है, जैसा मेरे भाई साहब आदित्य जी ने बोला, और सारे इतने सारे सीनियर लोग हैं तो उनके बीच में मैं कुछ बोलूंगा ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट इतना ही बोलूंगा कि जो ओवरऑल जो अनुशील ने काम किया है, जो पिक्चराइजेशन है, जो सॉन्ग है, और जो डेडिकेशन है, और जो फील था उस गाने में, इवन आई वाज एंजॉयिंग विद योर एक्ट्रेस हियर, आई एम सॉरी विद यू ओनली ओवर द सॉन्ग, इट वाज जस्ट अ जोक अपार्ट, बट इट वाज अ फैंटास्टिक, एंड आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू अनुशील एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू। हम पुराने हो गए, हमें नए लग रही है। अच्छा है आप तो नए हैं सर, आप पुराना बोल बोल के अपने आप को नया कर दिया। अच्छा हेलो, आइए सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अनुशील को विश करता हूँ और सारे क्रू को, पिक्चर मतलब ऑडियो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को लगा नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा, और मैं चाहूंगा कि मैं इसको ये करूँ, कास्ट करूँ एक अच्छी फिल्म जो मैं अभी करने जा रहा हूँ कयामत से कयामत तक। नमस्कार एवरीवन, क्या कहूँ मैं, मेरा अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट है MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, हमारे सारे चिंतक हैं, और ये सब ने इतना कुछ कह दिया है,
मुझे लगता है कि मेरे लिए जरूरी ये कहना है कि अनुशील जो मेरा स्टार है, और इसके पहले हम लोग काफी सारे काम भी किए हैं, और अभी एक फिल्म भी मैं करने जा रहा हूँ विद अनुशील, मैं कहूँगा ये कि अनुशील में वो पैशन है और एक लगन है जो आई थिंक हर एक्टर में होना चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि लॉट्स ऑफ थैंक्स टू अनूप जी, शीला जी, जिन्होंने सपोर्ट किया है, बिकॉज आज मैं देखता हूँ, मैं जूझता रहता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे बहुत टैलेंट हैं जिसके अंदर टैलेंट तो है बट सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से, और ये भी सौभाग्य है अनुशील का, कि ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी मॉम डैड सिर्फ टाइम देना नहीं बल्कि तन मन धन हर चीज से सपोर्ट करते हैं, और उनका आशीर्वाद है, और अनुशील आगे बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और हम कुछ ज्यादा बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ सभी सीनियर लोग हैं, तो उनसे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन यही बोलूंगा कि इस गाने को बनाने के लिए अनुशील के जो मॉम डैड हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद किया, उनकी मदद के बिना हमको ये काम कर पाना संभव नहीं था, तो उनके उनकी मदद के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप सभी लोगों का ये प्यार देख के पा के हम काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत संभाल रहे हैं, और यही चाहेंगे कि अनुशील का ब्राइट फ्यूचर है, और आप सभी लोग शुभकामनाएं दें। हम टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तो ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं, जिन्होंने बोल दिया बस। अगर तू है प्यासा तो आज नहीं तो कल तू कुएं के पास है। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, हर हर महादेव। क्या बात है, अभी के बारे में आप एज अ चीफ गेस्ट है, और आपने गाना देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा,
सबसे पहली बात तो ये कि जो टाइटल रखा इन्होंने किसी की याद में, दोनों बच्चों का तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, शायद उनका सेकंड या थर्ड वीडियो होगा। वीडियो में इतना खर्चा ढंग से उसको प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने बहुत मेहनत की, डांस डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, और दोनों आर्टिस्ट हीरो हीरोइन ने भी बहुत मेहनत की। और मैं ये कहूँगा एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते कि जो इनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आजकल जो गाने बनते हैं उनसे थोड़े हटके गाना बनाइए, मगर सुनिंग है, गानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो किसी की याद में बहुत ही प्यारा गाना है, और मैं तहे दिल से इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और आप सबों को भी ये कहूँगा, जो जो लोग मुझे चाहते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस गाने को सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको हिट करें, शेयर करें सबको जी। सर क्या ब्लेसिंग होगी जो नए पैर आपने देखे गाने में, उनके लिए क्या ब्लेसिंग होगी आपकी तरफ से? एक गाना गा देता हूँ मैं उन लोगों को। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। अब आगे क्या है? किसी की याद में, किसी की याद में, किसी की याद में, किसी की याद में, होठों पे बस। यहाँ तो मेरा इस गाने के अंदर मैंने किसी की याद में इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें हमारा नहीं, जो आज ये सुपरस्टार दो बच्चे जो लॉन्च हुए हैं, जो ये म्यूजिक लॉन्च हुआ है, इनकी तारीफ करनी है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे इस भाई के लिए, अनुशील के लिए, जिसने इस एल्बम में काम किया है, हमारे सिंगर्स के लिए जिन्होंने इसमें गाने गाए हैं, मॉडल के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया है सबने जो है इस एल्बम में, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। अनुशील यूँ ही अच्छा काम करे और उसका फ्यूचर ब्राइट हो और इस एल्बम से उसका नाम हो, और सबने आज उसको आशीर्वाद दिया, हम भी आज यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं आपके मीडिया के माध्यम से, और मीडिया का हमेशा सपोर्ट मिलता है मुझे, और बाकी आप लोगों जैसा मुझे आदेश करें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में और दो पैर जो? अभी भी गाना फिलहाल। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है योगिता राजपूत और मैं भी एक सिंगर हूँ, और अभी फ़िलहाल ये गाना मेरे कानों में गूंज रहा है अभी तक, बिकॉज इतना सुंदर और फीलिंगफुल गाना है, और अनुशील ने इतना सुंदर परफॉर्म किया इस गाने के अंदर, और जो एक्ट्रेस थी हमारी बहुत खूबसूरत, दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, और गाना ओवरऑल इसी वजह से बहुत खूबसूरत निकल के आया है। That means the team work was superb. So I congratulate whole of the team for this song. Thank you so much. सर आप क्या कहना? मुझे जब ये गाना मेरे पास आया, फर्स्ट टाइम मेरे पास ही आया, वो पूरा फाइनल भी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि अंशुल ने मुझे सुनाया गाना कि अभी फाइनल नहीं है, सर आप सुनिए इस गाने को, और कैसा लगा, मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने ऑनलाइन सुना उसको, तो बोला यार गाना तो बहुत अच्छा है, और तो उन्होंने बोला सर हम करते हैं, हमने कहा बिल्कुल कीजिए, तो मैंने उनके लिए एक बढ़िया सी हीरोइन सजेस्ट किया, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज इस मीडिया के माध्यम से कि आज वो मैडम यहाँ पर शूट नहीं कर पा रही है, यहाँ पर नहीं आ पा रही है, बिकॉज वो आउट ऑफ इंडिया शूट कर रही हैं। और इन लोगों को मैंने जब इन्होंने मुझे बोला शिवाजी एक बढ़िया एक्ट्रेस हमें चाहिए गाने के लिए, तो गाने को मिलता जुलता वो जब देखा मैंने, तो एक नई एक्ट्रेस आई हुई थी, बिकॉज वो अमृतसर से हैं, पंजाबी एक्ट्रेस हैं, पंजाब सूफिया परवीन करके, तो उन्होंने मैंने उनको प्रोफाइल दिखाई, तो और उन्होंने उस पर नाच किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, सब बहुत अच्छा टीम किया, और मैंने ये गाना बहुत दिल से इनके लिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस मैंने दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और ऐसे ही आपके माध्यम से लोग मुझे प्यार करते रहे, बस यूं ही बोलते भाई किसी की याद में, तो यूं ही एक एल्बम जो है आज बन गया भी किसी की याद में, और बहुत अच्छा ये सफल एल्बम रहा, बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे मीडिया के माध्यम से। थैंक यू सो मच। इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा अच्छा प्ले किया, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, और मैंने इनको इन्वाइट किया, और मैं चाहता हूँ दो शब्द बोले, बिकॉज मैंने कास्ट किया कि द सॉन्ग वॉज वेरी गुड, द वीडियो
both the actors, Anushin and the female, what's her name? Sophia Parveen. Sophia, they have done a good job. The entire taking, picturization, everything was pretty good. I liked it. Hi, my name is Lavanya Sharma and the song was very good. We enjoyed it a lot and God bless to both of them. So, looking forward for this song. Let's see. Thanks, all. Thank you. Thank you. I want to know what new pairs are launched. What blessing will be हर चीज लाजवाब है लोकेशन लाजवाब है आर्टिस्ट लाजवाब है इनके अपोजिट जो लड़की है वो भी लाजवाब है जवाब नहीं मैं तो कहता हूँ ये गाना कल का मचा रहा है और कैसा लगा गाना गाने के बारे में थोड़ा सा गाना बहुत अच्छा है और गाना मीनिंगफुल है वो नहीं कि गाना है गाने में जो वर्डिंग है वो भी बहुत मीनिंगफुल है खुदा मुझे माफ कर रहे मतलब तेरी याद में किसी की याद नहीं है कैसा लगा आपको अरे ये मेरा बेटा है यार बहुत बहुत को और ये लड़का बहुत आगे जाएगा सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में सबसे पहले मैं अनुशील जी को बधाई दूंगा कि ये लड़का उभरता हुआ कलाकार है और फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा हीरो मिल गया जो इनका एल्बम मैंने देखा लाजवाब काम किया इन्होंने गाने के बोल भी बहुत बढ़िया हैं और पिक्चराइज बहुत बढ़िया किया है लोकेशन बहुत अच्छी थी गाने के बोल तो खैर ही बहुत बढ़िया और आने वाले टाइम में अनुशील जी उपलब्धियों पे होंगे तरक्की पे होंगे तो मेरी गुड विशेज़ है इनको पूरी टीम को सब ने बहुत अच्छा काम किया मतलब पिक्चराइज अच्छा किया है बोल अच्छे हैं डांस स्टेप्स जो हैं लोकेशन मतलब ए टू जेड पूरी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया और वंस अगेन अनुशील जी को बहुत बहुत बधाई अगर अनुशील जी परफॉर्मेंस की बात करें उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताएं आप कैसे परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है बहुत अच्छा कलाकार वो देखो उसके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाता है और दूसरा क्या है कि जो एक डर होता है ना वो कहीं नहीं दिखा कि मैं नया हूँ कैसे करूँगा उभरते हुए कलाकार जैसे होते हैं तो उससे 10 कदम आगे थे मतलब पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने काम किया और एक इनका बहुत अच्छा लगा जहाँ वो ये टेबल पे हाथ मारते हैं और वो सारी बोतलें एक तरफ होती हैं वहाँ पे भी इनका एग्रेस जो रूप था वो अच्छा था उसके बाद रोमांस तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने बहुत बढ़िया रोमांस और डांस बहुत बढ़िया दोनों लाजवाब कमिंग बैक टू यू दोनों तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल गई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले क्या कहना चाहेंगे क्या फील कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद किया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और इससे और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगी नेक्स्ट टाइम जो म्यूजिक वीडियो करूँ उस पर और जितना मेरा है उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा अच्छा ये गाना एल्बम में काम करने का विचार कैसे आया एक्चुअली इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और को प्रोड्यूसर है संजय जी उनके पास में प्यारा सा गाना था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने बोला कि इस गाने में क्या तुम इंटरेस्टेड हो करने के लिए एक्चुअली उन्होंने मेरा पहला म्यूजिक वीडियो देखा था संदेश जैसी म्यूजिक पे तो मैंने तुरंत था किया क्योंकि इनका गाना बहुत ही बेहतर है बहुत ही खूबसूरत है उसके बाद देने में प्लानिंग की कैसे क्या शूट करेंगे और इस पर कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा करिए सर ऐसा करिए तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हर चीज़ में कि सर इस पर ये किया जाए तो इसके लिए मेरे के लिए बेटर होगा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने पहले संदेश में किया था इस पर्टिकुलर गाने का इसका एक्सपीरियंस क्या लाइक थोड़ा सा डिफरेंट रहा उससे क्योंकि जो पहला म्यूजिक वीडियो किया था संदेश इट वॉज अ गोरिल्ला शूट और ये जो था हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे 3 डे का शूट था टोटली और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर जगह जैसे बीच पे वहाँ पे पूरा दिन गया हमारा शूट करने के लिए और सेकेंड डे का जो शूट था वहाँ पे मड आइलैंड के निर्लोन बंगलों पे किया था हमने तो वो होल डे बंगलों पे शूट किया हमने देन गोरिल्ला शूट इट वाज ऑन द 3rd डे तो हमने हीरा नंदानी अवैया नक्रॉस सम हाजी अली दरगाह विच वॉज स्पेशली वेरी डिफिकल्ट टू शूट
वहाँ पे भी हमने शूट किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप्स वॉचिंग यू लाइक क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उस पर भी लाइक वी आर लाइक हमें करना है और करना बस करना ही, ये हमने बखूबी कर दी है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आई वुड लाइक टू डू मोर म्यूजिक वीडियोज, कुछ एक इंटरनेशनली शूट करना चाह रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, वैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज तो गया हूँ, बट शूट के लिए इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि कोई जगह जाऊँ और एक अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाऊँ कुछ एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट बेस्ड म्यूजिक वीडियो इसी ज़्यादा चलते हैं, अगर म्यूजिक वीडियो पे कुछ कंटेंट ना हो और कॉन्सेप्ट ना हो तो वो लाइक इट्स नॉट दैट मच। फिल्म्स की तरफ वुड लव टू डू एंड लाइक इन फ्यूचर आई विल बी स्टारिंग इन सम प्रोजेक्ट्स, बट इट्स नॉट एज कन्फर्म राइट नाउ, सो आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर से जानना चाहूंगा मैम, कैसा लगा परफॉर्मेंस अनुशील का और कैसे प्लान किया था, थोड़ा सा इस गाने की जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया कि कैसे शुरुआत हुई और अभी जब गाना बन गया है कैसे एक्सपीरियंस रहा। गाना तो बहुत ही अच्छा लगा, सभी को ही अच्छा लगा, ऐसा बात नहीं, वैसे उसको पहले से ही ये लाइन बहुत पसंद है, वो पिक्चर लाइन पे ही जाएगा, वैसे हम चाहते थे कि वो लॉयर बने हमारी लाइन पे जाए, मगर उसका जो था तो हम सोचे कि उसको जो लाइन पसंद है उसी पे ही जाना चाहिए। मतलब अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। अनुशील क्या कहना चाहेंगे, इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको फैमिली से और कितने कितने खुश हैं और कितना प्राउड फील कर रहे हैं? एक्चुअली मॉम वैली इतना मतलब लाइक मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ उतना मतलब लाइक टू काइंड्स ऑफ थिंग्स देखिए, ये सही रहेगा कि नहीं मेरे लिए, क्या इस पर इसका इसको सक्सेस मिल मिलेगा कि कुछ कर पाएगा कि नहीं। आफ्टर दैट मैंने इनको वो बोला, आफ्टर संदेश में एक्चुअली व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम जापान, तो मैं मुंबई पे वाया मुंबई आई वेंट टू जापान देन आई केम बैक हियर, तो मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग कोर्स करना, एटलीस्ट लेट मी डू द एक्टिंग कोर्स फर्स्ट, तो बिकॉज ऑफ हर ओनली मैंने एक्टर प्रिपेयर्स पर एडमिशन लिया अनुपम खेर सर का, तो देन शी सपोर्टेड मी कि ठीक है चलो एक एक्टिंग कोर्स कर लो पहले, देन सी हाउ द थिंग्स विल गो। तो उसके बाद 3 months का हमने एक्टिंग कोर्स किया एक्टर प्रिपेयर से, उसके बाद देन आई वॉज गिविंग सम ऑडिशन लाइक गोइंग टू प्रोडक्शन हाउसेज एवरीवेयर, लाइक स्ट्रगल तब से ही शुरू हो चुका था। उसके बाद देन आई फाइनली गॉट माई ब्रेक संदेश, तो मैंने अपनी रशियन मॉडल के साथ भी किया था, उसमें इट वॉज रिलीज फ्रॉम जी म्यूजिक कंपनी लास्ट ईयर आई गेस। तो उसके बाद द सक्सेस ऑफ संदेश जब उसको लोग लाइक करने लगे इवन इन माई नेटिव प्लेस अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो उसके बाद से मतलब कोई भी इनसे मिलता है बोलते हैं कि आपके लड़के का म्यूजिक वीडियो हमने देखा यूट्यूब पे, एंड लाइक वहाँ पे एक जो है लोकल चैनल है डिजिटल एंटरटेनमेंट उस पर भी ये म्यूजिक वीडियो आता है, बहुत बार आता है लगातार, तो लाइक उसके हम लाइक सभी बोल रहे कि ना वेरी नाइस एक्टिंग योर सन उस पर है, वो कुछ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। एंड देन शी स्टार्टेड लाइक कि ठीक है अब लाइक आई विल गिव माई सपोर्ट फुल्ली टू यू एंड यू मस्ट मेक अ गुड नेम ऑफ योर सन। सर आप बताइए इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के कैसा लगा? एक्चुअली क्या हुआ, जैसे अभी अनुशील ने बताया कि हमारे पास एक म्यूज़िक वीडियो म्यूज़िक आइडियो बना हुआ था, राइटर ने हमें ये लाइन बताई कि संजय जी देखिए ये गाना कैसा लगेगा, मैं लिख रहा हूँ, तो हमने कहा पूरा पहले लिख लो फिर हमको, फिर कहीं ना कहीं हमको वो लाइन बार बार याद आती थी, फिर मैं उसको थोड़ा दिन में बिठाया और बिठा के एक स्क्रैच म्यूजिक बनाया और उसी को सुनाया, तो इनको बहुत पसंद आया, फिर उस म्यूजिक में हम काम किए और इनको फाइनली आइडिया मैंने दिया, और इन्होंने कहा कि मैं अपने मॉम डैड से परमिशन ले लेता हूँ, सुनाता हूँ वो कैसा कहते वैसा करता हूँ। फिर फाइनली 2 दिन के बाद इन्होंने कॉल किया कि सर जी मैं वो म्यूज़िक वीडियो में करूँगा, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें इनके मॉम डैड ने बहुत मदद की हमारी जिससे हम ये काम को अंजाम दिए। आप बताइए अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, कोई फिल्म्स या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? आपके पास सीखा है और क्या कहना चाहेंगे उसकी सर्विस से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये गाना आपको कैसा लगा? शब्द नहीं मेरे पास, और मैं कहूँगा ये कि अनुशील को देख रहा हूँ करीब मुझे हो गए 2 साल देखते हुए, और 2 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अनुशील हमेशा एवरी डे
ग्रो कर रहा है और आगे ही बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड के उन तमाम चेहरों में नाम होगा अनुशील। एक्चुअली मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड कांग्रेचुलेशन आल्सो। आई होप कि इनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले इन फ्यूचर। आई होप फॉर बेस्ट फॉर हिम। थैंक यू। पक्का हो गया। ओके, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे अनुशील को, और गाना आप लोगों ने देखा कैसा लगा? सबसे पहले आपसे शुरुआत। गाना बहुत बेहतरीन था और एक्ट वाइज और इमोशन वाइज बहुत अच्छा अनुशील कर रहे थे, और आने वाले टाइम में इनका जो है जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है एज ए रोमांटिक हीरो। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग की 2-3 साल एज निकल गई है ये काम करने के लिए, हमें एक्शन में आना पड़ेगा, कॉमेडी में आना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट विशेष, और कभी आइए हमारे यहाँ मुलाकात। सर आपके क्या फ्यूचर प्लान है, क्या कुछ नया आने वाला है? भाई एक तो नया आने वाला बगले आ रहा, अभी हमारी फिल्म आ रही है कॉमेडी है, उनको फुल ऑन इंटरटेनर, और हम लोग इस फिल्म के बाद 31 को रिलीज हो रही है 31 जनवरी, और इसके बाद हम लेके आ रहे हैं पगले आदम रिलोडेड। हाँ, तो अंशिल को लेकर के सर कोई प्लान है? नहीं, अरे अगर आपको अच्छा लगा आज मिलाया है तो डेफिनेटली हम साथ काम करेंगे, और मिलते रहिए, अभी हमें बहुत एक्टरों की जरूरत है। थैंक यू सो मच आप लोग को बुलाने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले इस म्यूजिक जो वीडियो बना है उसके बारे में बात करेंगे। अनुशील हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। ही हिमसेल्फ लुक वेरी स्मार्ट एंड वेरी चार्मिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए 3-4 चीज़ों को देखने को अपने को मिला है इस वीडियो के अंदर, इसके कराटे भी देखने को मिले हैं, इसके सैडनेस को भी देखने को मिला, और इसकी इमोशंस जो हैं, जो रोमांस है, सारी चीज़ों का मिक्सअप है ये वीडियो अपने आप में। वेरिएशन इज वेरी गुड, वेरी गुड मीन्स वेरी गुड, और ही इज वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू गिव हिम ऑल द थैंक्स एंड द बेस्ट विशेस फॉर हिज करियर एंड हिज यू नो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स व्हाटएवर ही इज गोइंग टू डू। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यस, हम लोग इस लाइन में हैं, जुड़े हैं, और आज मेरी पहली मुलाकात है अनुशील के साथ। तो आने वाले समय में अपने जो प्रोजेक्ट रहेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि अपने भाई को आगे लेके चलना है, डेफिनेटली विल प्रमोट हिम। दैट इज वॉट द बेस्ट विशेस विद मी एंड अनुशील, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटी, थैंक यू।